हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, हम लोग कल दोपहर में मतलब 1:30 बजे के आसपास हम लोग आए थे। तो उसके बाद पूरा घर ऐसा फैला हुआ था ना, पूरा घर साफ वाफ करने में बहुत टाइम लग गया था। फिर रात का ऑफिस भी था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। आज है नेक्स्ट डे। तो जब मैंने आके देखा था ना, तो मेरे पौधे में से जो लंबी लंबी ब्रांचेस निकल रही थी ना, पता नहीं इतनी तेज़ तो आंधी नहीं आई थी कि यार 5-6 ब्रांच एक साथ टूट जाएगी, बट पता नहीं कैसे मतलब पूरे गमले सारे टूट टाट गए थे। तो उनको ही चेंज किया था, बट बहुत दुख होता है यार कि अगर इस तरह से कुछ टूट जाता है ना। मतलब पौधों में से पता नहीं क्यों मुझे बहुत लगा हुआ है, स्पेस नहीं है, फिर भी मैंने ज़्यादातर कोशिश की है, जो मुझे पसंद है, मेरे फेवरेट है, मैंने उनको रख रखा है। और मेरा एलोवेरा का प्लांट सूख गया था, वो भी पता नहीं बीच में तबीयत ख़राब थी तो नन्नू पानी देती थी, तो शायद वो ओवर वाटरिंग की वजह से वो सूख गया था, गल गया था। मैं उसे चेंज करने जा रही थी बट देखा तो पूरा गल गया था। बट कोई भी नहीं, मेरे पास एलोवेरा के 1-2 प्लांट और हैं, मैं उसे चेंज कर दूँगी, वो लगा दूँगी। बट ये तो जब टूटा ना, मुझे लिटरली बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इससे, अब मैं पॉट भी लेने नहीं जा सकती थी क्योंकि थोड़ा सा घर में भी काम था, टाइम भी नहीं था। तो मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी रखी हुई थी, उस बाल्टी में मैंने वो पौधा लगा दिया था। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो प्लांट जो मैं बोल रही थी ना टूट गया है। देखो यहाँ से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारी ब्रांचेस ना टूट गई थी। और इसका जो गमला था पहले, वो भी बकेट में ही लगा था क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता है, तो ये भी मैंने बकेट में ही लगाया था, मम्मी के यहाँ से लाई थी। तो वो भी ना वो भी टूट गया, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। ये तो काफी मजबूत बाल्टी होती है, एशियन पेंट वाली होती है, तो काफी मजबूत होती है, मैंने इसमें लगा दिया। और मैं घर से ना कुछ कटिंग लाई थी, जैसे ये है, ये रेड वाला जो मोरपंखी वाला होता है ना, वो लेके आई थी, उसकी कटिंग है। ये 2-3 रोजेज हैं, ये रेड वाला है, ये इसमें एक रेड है, एक पिंक वाला है, वो पता नहीं ये मेरा रोज है बट मुझे लग नहीं रहा ये चलेगा, बट मैंने निकाला भी नहीं, देखो चलता है कि नहीं। बाकी सारे तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये वाला एलोवेरा है, ये वाला मैं चेंज कर दूंगी, अभी मैं गमला लेके नहीं आई। और मैं ना बीच में अभी वीडियो नहीं बना रही थी, तो मैं 5-6 नए पौधे लेके आई थी, जैसे ये वाला सदाबहार का नया लेके आई थी पौधा, और ये मैंने कटिंग की थी तो इसमें से भी ये निकल गया है। इसकी कटिंग भी करनी है, काफ़ी लंबा हो गया ये भी, इसकी कटिंग करूँगी बस थोड़ा बारिश कम होने के बाद। और एक मैंने अपराजिता की कटिंग लगाई थी, इधर से दिखा, ये लगाई थी, ये अपराजिता की कटिंग लगाई थी, इसमें भी शायद लग गया है क्योंकि पत्ते आने लग गए, बाकी देखते हैं। अपराजिता का वो मैंने प्लांट वहाँ रख दिया है, उसके पीछे तुलसी वगैरह है। मैंने इस साइड में तो वो लगाए हैं पौधे, आई होप दिख रहे होंगे, जो चल चुके हैं ये। और इस साइड में मैंने वो पौधे रखे हैं जो मैंने कटिंग लगाई हैं, ये वो ये सारी कटिंग लगा रखी हैं, देखो चलती हैं कि नहीं। ये तो मैंने लिया था, अब भी मैंने कुछ नए प्लांट लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी भी कटिंग लगाई है, इसमें एक और था बट वो चला नहीं तो उसको मैंने उखाड़ दिया था। ये मैंने जीजी प्लांट आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था बट ये चल गया अच्छे से, जीजी प्लांट, और ये सदाबहार का, और जो दूसरा वाला सदाबहार का, और एक ये मैंने अभी नए लिए थे, 2-3 मनी प्लांट के पौधे लिए थे, तो यही सब लिया था। देखें अच्छे से चल गए हैं, बट मुझे इसकी इसमें इतने ही पत्ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए मैं इसे माली से दिखाऊंगी, अगर कोई खाद वगैरह डाल दे तो शायद चल जाए, अभी तो चल गया है। इसके नीचे ना मैं ये क्या बोलते हैं, ऐसी कटोरी जैसी लगा देती हूँ जब पौधे में पानी देती हूँ, क्योंकि ना ये पानी से ही पूरी दीवार पे मिट्टी मिट्टी निकलती है, तो ये मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तो हम लोग फाइनली गए थे अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1-1.5 महीना हो गया था,
बस गए थे, क्योंकि जब भी होता है कोई मिलने आ जाता है, मेरा नहीं हो रहा था जाना क्योंकि थोड़ी तबीयत का भी इशू था। फिर हम घर चले गए थे, आए थे तो हम चले गए थे मिलने। और ये गौरी है मेरे भाई की बेटी, ये बिल्कुल मन्ना जब छोटी थी ना तो बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही लगती थी वो भी। तो हम लोग वहाँ गए और देख के ना ऐसे शौक हो के देख रही थी, और थोड़ी देर में जब उसको थोड़ा सा प्यार व्यार किया और खेले उसके साथ, तो फिर तो बस उसका तय 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 शुरू हो गया। तो चलिए थोड़ा सा इसकी क्लिपिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, बस थोड़ी सी ली थी। तो वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसके फुल डे का भी वीडियो शेयर करूँगी कि ये पूरे दिन कैसे क्या एक्टिविटी करती है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ना स्क्रॉल होना सीख रही है ये। एटलीस्ट 5 साढ़े 5 महीने की हो चुकी है, तो ना बस थोड़ा सा स्क्रॉल होना सीख रही है। और बट इसको अभी लगता है ना कि बैठने के लिए बहुत ट्राई करती है, अगर थोड़ा भी उठाओ तो उठ के बस बैठने की कोशिश करती है। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर लेती हूँ, देखिए एंजॉय करिए। सो गाइज, हम मम्मी के यहाँ से मैं आ गई थी। आने के बाद ना मैंने जैसे बताया ना मेरे पौधे भी टूट गए थे, तो मैं नेक्स्ट डे आई थी। बस आके तुरंत ही बस सारे पौधों को नीचे उतारा और उसकी कटाई छटाई करके, कुछ थे जो मुझे रिपोर्ट करने थे वो सारा भी किया था। और पहले ना मैं ऐसे हल्के हल्के, मतलब मोटा स्पून है उस स्पून से मैं सबकी मिट्टी ना पहले मुलायम कर देती हूँ, और इसमें सिर्फ खाद डालनी थी। तब मैंने ये इसमें सिर्फ खाद डाल दिया था इसकी गुड़ाई करके। और जो ये है ना सदाबहार का पौधा, इसमें मैंने मतलब एक भी अगर इसमें डाल रख दो तो वो फैल जाती है, तो बस वही सब तोड़ के मैंने अलग किया था। उसके बाद फिर थोड़ी सी खाद डाली थी। और ये दूसरा वाला सदाबहार है मैं लेके आई थी, तो मैंने मेरे पास ये मग्गा था, इस मग में लगा दिया था। हालांकि ये मग सिर्फ बालकनी में ही इन्हीं पौधों में पानी वगैरह देने के काम आता था, तो इसे ना नन्नू ने नीचे से जला दिया था, इसे गरम कील से उसे छेद कर दिया था। तो मैंने इसमें ये पौधा लगा दिया है, और मैंने शुरू कर दी थी सारे पौधों की गुड़ाई। उसके बाद दिया था खाद, काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे। और आप लोग बताइएगा कि आपका ना मनी प्लांट जैसे ग्रो करता है तो आप कुछ उसमें स्पेशल डालते हैं क्या? क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया, मेरा मनी प्लांट सूख जाता था। तो ये छोटा वाला मनी प्लांट मैं फिर से लेके आई हूँ, देखते हैं कितने दिन चलता है नहीं चलता है। हालांकि मैं पानी भी बहुत, इस बार तो मैं सोच के बैठी हूँ कि पानी बहुत ही कम रखूँगी, जब तक पौधा बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं जाएगी। तो ये क्लिपिंग शायद इतनी अच्छी नहीं बनी है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसकी इस गमले में क्या, सारे गमलों में मैंने सिर्फ गुड़ाई की थी, खाद डाला था। वीडियो नन्नू बना रही थी और वो कह रही थी लाओ मैं करती हूँ, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि लग सकता है। वैसे भी मेरे पास अभी गार्डन टूल नहीं है, तो देखेंगे बाद में ले लेंगे। अभी तो मैं स्पून से करती हूँ, क्योंकि स्पून से ना जड़ वगैरह टूटती नहीं है, बट चक्कू वगैरह से करो। कि कितने सारे हमने प्लांट्स उगाए हैं वो देखिए, उस साइड भी हमारी पूरी बालकनी ना प्लांट से ही भरी है। इधर कभी कभार तो जगह ही नहीं होती है। मम्मी को प्लांट्स का बहुत शौक है। टीचर डे पे मैं टीचर को तुलसी दी, मैं मेरी टीचर इतनी खुश हो गई ना। पर अभी उनके यहाँ सारा काम। तो अब अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।